जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो एक नए दिन के साथ एक नए वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आए हुए हैं हम लोगों का खलियान, और आज हम लोगों का हो रहा है कोलम उटाणी भूंगा। और ये क्या होता है आगे आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन पहले मिले। और आज का वेदर थोड़ा सा चेंज भी है मौसम। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अभी हम हैं खलियान में, और आज हम लोगों का हो रहा है कोलम उटाणी। तो आज हम आप लोगों को थोड़ा सा बताने वाले हैं कि कोलम उटाणी होता क्या है। कोलम उटाणी से पहले हम लोगों का एक पूजा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलम जाते। कोलम को ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं खलियान। तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा, क्योंकि हम हो और हिंदी मिक्स करके बोल रहे हैं। तो जो हम लोगों का होता है, हम लोग जैसे धान का कटाई वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग लाते हैं ना खलियान में, उसके बाद हम लोग कोलम जाते करते। जाते मीन्स कि एक होता है शुद्धिकरण टाइप, कि हम जाते करने के बाद बहुत सारा प्रोसेस भी होता है, उतना लंबा हम आप लोगों को नहीं बताएंगे, बस इतना बताएंगे कोलम उटाणी होता है क्या। तो कोलम जाते में होता है कि जो भी हमारे जो देसावली हैं, मरंग भूंगा है, हमारे जो पूर्वज हैं उनके नाम से हम लोग पूजा करते हैं, कि वो लोग अपना मतलब आशीर्वाद हम लोग के ऊपर बनाए रहे, और जो भी काम वगैरह हम लोग का होना है खलियान में वो अच्छे से हो सके। वो सारा जो हम लोगों का काम वगैरह कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोगों को होता है कोलम उटाणी। उसमें क्या होता है कि हम लोगों का काम मतलब सक्सेसफुली हो गया। अब हम लोगों का जो पुआल वगैरह सब लोग धान से हटा लिए, घर भी पहुंचा दिए, तो सारा काम अच्छे से हो गया कंप्लीट। तो उसके बाद जो है हम लोग जितने भी हम लोग दिसावली हैं, मरम भूंगा है, हम लोगों के सिंह भूंगा है, और हमारे जो पूर्वज हैं उन लोगों को थैंक यू देते हैं कि आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों का काम वगैरह अच्छे से हो गया है। तो वही है। और उसके बाद जितना कोई भी हम लोगों का जो हेल्प किए रहते हैं, हम लोग का मतलब ये जो होता है ना खलियान में काम वगैरह, वो सब के लिए जो लोग भी हम लोगों का हेल्प किए रहते हैं, उन लोगों के लिए छोटा सा हम लोग तब क्या बोलते हैं खिलाने पिलाने वाला होता है। तो आज के दिन पे हम लोग वो सब करते हैं, और जितना लोग भी हम लोग हेल्प किए हैं, हम लोग साथ में बैठ के आज खाना पीना करेंगे हम लोग। तो चलिए, आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा, आगे आप लोगों को देखने को भी मिलेगा किस तरह से पूजा वगैरह हुआ है और पूजा वगैरह हुआ है वो भी, और किस तरह से हम लोगों को खाना पीना वगैरह बन रहा है वो भी आप लोगों को देखने मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे राशि पूजा किया जा रहा है, जो कि हम लोगों का समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हर पूजा में ये जरूरी होता है, और राशि को ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं राइस बियर।
तो दोस्तों अभी हम लोग घर आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर मुझसे वीडियो में कुछ बोलने में गलती हो गई है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि गलती से ही सब सीखते हैं। और ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और क्या बोलना, आप लोग अपना ख्याल रखिए, मौसम बार बार चेंज हो रहा है और तबीयत सबका बहुत ख़राब हो रहा है, तो अपना ख्याल रखिए सभी कोई। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।